नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री जेम डोंडा प्राइमरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 लेसन नंबर 6 सुबह। साहित्य प्रकार है प्रसंग कथा। यहाँ पर सुबह मतलब सुबह का प्राकृतिक वातावरण ऐसी कोई बात नहीं है, पर सुबह एक अलग ही प्रसंग है। देखते हैं हम, पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। आपको मालूम है बेटा, पहले पोलियो की बीमारी बहुत चली थी, तो अभी तो ये सरकार ने पोलियो नाबूद ही कर दिया है। पोलियो की रस्सी हर महीने में 2 बार आती है, ये उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया है। तो बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। एक छोटी बच्ची है, रेशमा है, वो अपनी सूझबूझ से काम लेती है। कैसा काम करती है? उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं आई है। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इनका निरूपण इस घटना में किया गया है। जिंदा दिली इंसान है वो, और कभी खुश मिजाज विनोदी स्वभाव की, कभी जिंदा दिल मतलब खुश मिजाज विनोदी स्वभाव की, कभी उन्होंने अपने कार्य में या अपने पोलियो की वजह से कोई बाधा नहीं आई है। सुबह का वातावरण है, सुबह घर में सब लोग काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कोई बर्तन मांझ रहा है, तो घर में ये साफ सफाई का माहौल चल रहा है। यह देखकर अचानक रेशमा को प्रश्न हुआ कि ये घर में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, कोई मेहमान आने वाले हैं क्या, घर में साफ सफाई हो रही है तो मुझे तो मालूम नहीं है क्या हो रहा है। फिर उसकी माँ बताती है कि बेटा भूल गई तू, दिवाली के त्योहार आ रहे हैं तो पहले से घर की साफ सफाई हो जाए तो त्योहार का आनंद लेने में मजा आता है। तो उसको लगा कि मुझे क्यों कोई काम नहीं सौंपा गया, तो रेशमा कहती है कि मुझे क्यों कोई काम नहीं सौंपा गया, तो उसकी माँ कहती हाँ तेरे लिए हमने काम रखे, पहले तू नहा धोकर स्वस्थ हो जा, साफ हो जा, हमने तेरे लिए भी काम रखे हैं, हम तुझे भी काम देते हैं। फिर ऐसे करके रेशमा घर के कामों में हाथ बढ़ाने लगती है। फिर अचानक एक रेशमा की भाई जो है गोलू है, दिवाली के त्योहार में वो पटाखे फोड़ रहे हैं, तो पटाखों को कैसे वो बचाती है, उनको जला हुआ पटाखा उसके पीछे था, उसको मालूम ही नहीं था कि ये पटाखा कहाँ से जलता हुआ रह गया है। वो अचानक से रेशमा देख लेती है और अपने भाई गोलू को धक्का दे देती है और उनको ये जलते हुए पटाखे से बचा लेती है, एक साहस भरा कार्य करती है। रेशमा जब छोटी थी तब उनको बुखार आ गया था, तो बुखार के कारण उनको पोलियो हो गया और पोलियो में उनकी ये दोनों जो टांगे हैं, उनके दोनों जो पैर हैं वो बेजान हो गए, वो काम नहीं कर रहे। तो बच्चों हम देखते हैं सुबह प्रसंग कथा। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं, कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है, कि घर में सब सफाई का माहौल चल रहा है। माँ आई और कई खास बात है, माँ क्या कोई खास बात है, रेशमा ने कहा, माँ क्या कोई खास बात है, सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुट रहे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बिटिया रानी त्योहार के दिन है, भूल गई क्या, तुम्हें मालूम नहीं क्या कि त्योहार के दिन नजदीक आ रहे हैं, इसलिए घर की हम सफाई कर रहे हैं, पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह से त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, उसको प्यार से थोड़ा प्यार करते हुए उनके गालों को सराहते हुए रेशमा को कहा कि हाँ बेटिया, ओ मैं तो एकदम भुलक्कड़ हूँ, मैं तो भूल गई थी, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ, बताओ ना माँ,
मैं क्या काम करूं, आपने तो मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं। तो उनकी माँ कहती है, अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम बाकी पड़े हैं, पहले तुम तैयार हो जाओ फिर मैं बताती हूँ, बहुत से काम बाकी है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा कि रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, मदद तो मैं जरूर लूंगी। उसकी माँ ने कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम रखे हैं, सोच रखे हैं, एक एक काम मैं आपसे करवाऊंगी, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्य में लग गई। वो चार पहिए वाली कुर्सी जो आती है ना, उनके ऊपर वो बैठ गई और धीरे धीरे अपने दैनिक कार्य में वो जुट गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। घुटनों के नीचे से जो दोनों पैर है वो खड़ी रह नहीं सकती थी, वो दोनों पैर जो है वो बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई, उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी परंतु अब 11 साल की उम्र में, रेशमा की उम्र कितनी हो गई है, अब वो 11 साल की हो गई है, तो 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है, जो भी काम है वह अपना स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती, वो अपने परिवार के लिए अपने काम पर वो बोझ नहीं बनना चाहती है। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे, वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। माँ ने सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें जो भी थी वो सब नीचे उतार दी थी और साफ करके रख दी थी। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। माँ ने उसे पुकारा, रेशु तुमने अगर नाश्ता कर लिया हो तो मेरे काम में हाथ बटाने आ जाओ। तो रेशमा कहती है, हाँ माँ मैं नाश्ता कर लिया, मैंने नाश्ता कर लिया, दूध का मेवे वाला दहिया आपने बहुत अच्छा बनाया था। हाँ माँ आपने दूध का मेवे वाला जो दहिया है वो आपने बहुत अच्छा बनाया था। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ, मैं अभी आई, मैंने नाश्ता भी कर लिया है। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा अपने चार पहिए वाली कुर्सी को धकेलते धकेलते वो रसोई घर में आ पहुंची। रेशमा को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रेशमा ने क्या किया, सभी डब्बे पर, एक एक डब्बे के ऊपर, छोटे मोटे सभी डब्बों के ऊपर उन्होंने एक लेबल लगा लिया, उनके ऊपर चीट लगा दी और सब में लिख दिया कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, ताकि जब हम रसोई में जाते हैं तो हमें कोई चीज़ें ढूंढने में थोड़ी आसानी रहती है, हमें बार बार ढूंढना ना पड़े कि ये चीज़ हमने कहाँ रखी है, तो ये आसान रहेगा। तो ये सब काम वो व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमकने लगा, एकदम जब हम सफाई करते हैं तो सारा घर चमचमाने लगता है, खास करके रसोई घर में हम जब चीजें साफ करके रखते हैं तो वहां पर ज्यादा चमक आती है, तो पूरा रसोई घर चमकने लगा।
पिताजी दफ्तर चले गए। उनके पिताजी तो जो थे रेशमा के, वो ऑफिस चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था, इसलिए गोलू तो बहुत छोटा है, तो गोलू तो बाहर जा नहीं सकता है। दादी जी तो बहुत बुजुर्ग है, इसलिए दादी जी को भी कोई काम नहीं सौंपा जाता। तो फिर बचा कौन? अब सामान लाएगा कौन, ये प्रश्न है। तो माँ परेशान थी कि अभी सामान लाएगा कौन, क्योंकि पिताजी घर नहीं है, गोलू छोटा है और दादी जो है वो बुजुर्ग हो चुकी है, दादाजी भी बुजुर्ग है, तो जाएगा कौन? तो माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं लेने जाऊंगी माँ, जो भी सामान लाना है मैं लेने जाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए, मैं सामान लेने के लिए चली जाती हूँ। आप एक लिस्ट बना दीजिए, जो भी सामान लाना है तो आप एक लिस्ट बना दीजिए, मैं लेने के लिए जाती हूँ। तो तुम ले आओगी अकेली? माँ ने कहा, तुम अकेली ले आओगी? तो हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी मैं, आपको याद है ना, एक बार पहले भी तो मैं ले आई थी। तो कोई बात नहीं, रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी, उसमें एक हिम्मत थी, उसके अंदर साहस था। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से जाना, अच्छे से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाले दुकान से ही मिल जाएगा तुम्हें, नुक्कड़ वाले की दुकान से सारा सामान तुम्हें मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए मैं टॉफी लाई हूँ, एक चॉकलेट लाई थी रेशमा उनके छोटे भाई के लिए। तो उसने आवाज लगाई कि गोलू ये लो मैं तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुश उछल पड़ा, खुशी से उछल पड़ा, उनको अच्छा लगा, क्योंकि छोटे बच्चों को टॉफी बहुत प्रिय होती है, उनको चॉकलेट में ज्यादा रुचि रहती है। तो कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। दियो के प्रकाश से रेशमा का घर, दिवाली का त्योहार आता है तो सभी के घर में दिए जलते हैं, ऐसा नहीं कोई एक न जलाए, सब हर कोई दिया जलाता है। हमको पता है कि दिवाली जब आती है तब हम दिया जलाते हैं, तो उनके प्रकाश से घर बहुत अच्छा लगता है, एकदम रोशनी रोशनी चारों तरफ लगती है। तो अभी कुछ ही दिन, एक दिन शाम को रेशमा का घर दिए के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, पूरा मोहल्ला जो था, उनकी पूरी गली थी वो चमक रही थी, जहां रोशनी ही रोशनी नजर आती थी, क्या जमीन क्या आसमान कुछ समझ में नहीं आता था। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है, दीपावली जो है वो अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। दादी जी ने क्या बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत हुई थी। आपको मालूम है कि रावण ने, रावण पर कैसे राम भगवान ने विजय पाई थी, उस विजय की खातिर हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। इस दिन रावण को पराजय कर राम अयोध्या लौटे थे, उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे। हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं ना, तो हमें ये सारी कहानियाँ बताते हैं। तो ये कहानी जो है वो रेशमा और उनका भाई गोलू वो दादाजी से सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया। हमको पता है हम दिवाली पर घर में पूजा करते हैं, वैसे तो करते रहते हैं, पर दिवाली की खास पूजा होती है। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया था। का छोटा भाई जो है गोलू, वो अपने भाइयों, अपने भाई बंद के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो पटाखे छुड़ाने में मग्न था।
तो रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़िया जला रही थी। बेटे बेटे फुलझड़िया जो होती है वो हमें अच्छी लगती है, तो वो फुलझड़िया जलाने में रेशमा को अच्छा लगता था, तो रेशमा फुलझड़िया जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उससे चिंगारियां निकलने लगी थी, वो फिर से जल रहा था। तो गोलू की पीठ पटाखे की तरफ ही थी, उनके पीछे ही था। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों तुम्हारे पीछे पटाखा है पर सोने कौन? इतनी हड़बड़ी में उनकी आवाज जो है वो दब गई, किसी ने उसकी आवाज सुनी नहीं। तो पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज दब गई, किसी को रेशमा की आवाज सुनाई नहीं दी। बाकी लोग कुछ समझ पाते, सबसे पहले रेशमा जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धक्का धमाका हुआ। उसने एक धक्का दिया तो धड़ाम सी आवाज आई। एक जब किसी को धक्का देते हैं तो कुर्सी जब गिरती है तो ऐसे धड़ाम सी आवाज आती है, तो ऐसी धड़ाम सी आवाज निकली। रेशमा की कुर्सी ने गोलू को जलने से बचा लिया। रेशमा की जो कुर्सी थी वो कुर्सी के कारण गोलू जलते हुए बच गया। गोलू को कुछ समझ ना आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। गोलू को यह मालूम नहीं हुआ कि उसको धक्का किसने दिया और क्यों दिया। उनको तो ऐसे लगा कि उसको किसी ने धक्का दिया, पर क्यों दिया, किस लिए दिया, वो गोलू को नहीं मालूम था। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़ आए। धमाके की आवाज से माँ पिताजी वो भी बाहर चल आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना रेशू? ऐसा उसकी माँ ने पूछा। रेशमा ने उन्हें सारी बात जो थी वो बता दी। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, शाबाश, उसको शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये धक्का जो है वो मुझे हमेशा के लिए याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। आज भी ये रेशमा है, वो अपने हर कार्य में जुट जाती है। आज भी वो जिंदा दिली इंसान है। वो विनोद प्रियता, उनके मन में एक अलग से आनंद होता है। जिंदा दिली मतलब खुश मिजाज, अपने अंदर वो मस्त रहने वाली। आज भी वो लड़की अपने यही कारण, अपने यही हिम्मत से ऐसी ही है। तो बच्चों, ये रेशमा सबकी आंखों का तारा है। छोटी सी रेशमा सबकी आंखों का तारा है। तो आशा करती हूँ बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू।